हमने इस चैनल की शुरुआत की ताकि इतिहास के कुछ लोगों से आपको मिलाकर इतिहास की कहानियों को सुनाकर आपको मोटिवेट कर सकें। इसीलिए इतिहास को गलत तरीके से पेश करने वालों के ऊपर नजर रखना भी जरूरी है। तो हम मर्डर ऑफ हिस्ट्री के पहले एपिसोड में आपके सामने लेकर आए हैं फिल्म 300। अरे भाई, फिल्म बनाते समय इतिहास से थोड़ी बहुत छेड़खानी करना, थोड़ा बहुत क्रिएटिव लिबर्टी लेना तो हम भी समझते हैं, पर 300 मूवी तो इतिहास ही उल्टा कर देती है। चलिए हम समझाते हैं कैसे। You Greeks take pride in your logic. ये फिल्म आपको ब्लैक एंड व्हाइट में समझाती है कि स्पार्टा के लोग बड़े अच्छे हैं और पर्शिया के लोग बड़े खराब हैं, पर सच्चाई कुछ और ही थी दोस्त। Tell your Xerxes he faces free men here, not slaves. ये फिल्म आपको बताती है कि स्पार्टा के ये जो सोल्जर है ना, ये फ्रीडम फाइटर है, ये आजादी के लिए लड़ रहे हैं। चलिए आपको सच्चाई से मुखातिब करा देते हैं। पर्शिया का एकेमिड साम्राज्य दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य था। यहाँ पर गुलाम या स्लेव रखना मना था। यही नहीं, अगर आप ऐसा करते पाए गए तो आपको सजा दी जाती थी। पर स्पार्टा की तो बात ही कुछ और है। अगर आप स्पार्टा के सैनिकों की बात करें तो भाई साहब, हर एक सैनिक के पास दर्जनों गुलाम होते थे। वो क्या है ना, सैनिक फाइट वाइट करेंगे तो घर में खेती बाड़ी कौन करेगा, उसके लिए गुलाम रख रखे। स्पार्टा में गुलाम रखना ना सिर्फ कानूनी था बल्कि जरूरी था। जी हाँ, बोले तो आपको स्लेव रखने ही पड़ेंगे। और हाँ, कानून में ये भी लिखा था कि कम से कम दिन में एक बार स्लेव की पिटाई करना जरूरी है। लाखों गुलाम हैं, रोज पिटाई होती है, फिर भी फ्रीडम के लिए आप लड़ रहे हैं। गजब हिपोक्रेसी है भाई साहब। You insult my queen. You threaten my people with slavery and death. पर्सिया अगर किसी साम्राज्य को हराता तो उसके लोगों को गुलाम नहीं बनाता बल्कि उन्हें अपने धर्म का पालन करने के लिए आजाद छोड़ देता। जी हाँ, पारसी भाई लोग काफी लिबरल थे। वहीं अगर आप गलती से भी स्पार्टा से हार गए तो क्या, आपको गुलाम बना लिया जाता और क्या। जब स्पार्टा के सैनिक एक दूसरे की वंडरफुल बॉडी पर तेल लगा रहे थे, तब पर्शिया के लोग ऐसी इमारतें बना रहे थे जो भविष्य में वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहलाने वाली थी। 300 मूवी आपको बताती है कि स्पार्टा जो है ना, पूरे ग्रीस को बचा रहा था। You have been surrounded. All of Greece has united against you. तो भाई साहब, इसकी भी सच्चाई जान लीजिए। शुरू में तो स्पार्टा पर्सिया के साथ लड़ा, फिर कुछ ही दिनों में एथेंस भी उसके साथ आ गया। फिर सो कॉल्ड आजादी के रखवाले स्पार्टा के सैनिक युद्ध बीच में ही छोड़कर चले गए, बेचारे एथेंस के लोगों को अकेले छोड़ गए। बात यही खत्म नहीं होती है। कुछ समय बाद स्पार्टा के लोग पर्सिया के साथ मिल गए। जी हाँ, आपके कान नहीं बज रहे, आपने सही सुना, स्पार्टा पर्सिया के साथ मिल गया और एथेंस को हरा दिया। तो ये है असली कहानी। हमने कहा था ना, इस फिल्म ने हिस्ट्री का मर्डर किया है। खैर छोड़िए, अगर आपको इतिहास समझना है तो इसके लिए किताबें पढ़िए, फिल्मों को एंटरटेनमेंट के लिए छोड़ दीजिए। हम हर हफ्ते दो बार आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, तो हमारे साथ बने रहिएगा। जाने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलिएगा, और अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। अपना ख्याल रखें, फिर मिलते हैं।